हेलो गाइस, मैं मुसीबुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतधारा। इस वीडियो बताने लगा, बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है कतर में इस सिचुएशन में आजाद फीसा में जाना चाहिए क्या, कंपनी के फीसा में जाना चाहिए। बहुत सारे भाई ने इस तरह से कमेंट किया है, कौन सा फीसा में जाएंगे आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो इस वीडियो आप लोग फुल्ली डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा, ये वीडियो आप लोग काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखे, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये जो कतर में जाने के लिए बहुत सारे आपको गाइडलाइन है, बहुत सारे गाइडलाइन आपको फॉलो करके कतर में जाना पड़ेगा। ऐसे आप नॉर्मली जो पहले एक दो साल पहले आप जिस तरह से कतर में जा रहे थे कि उस तरह से आप कतर में नहीं जा पाएंगे, अभी जो कोविड सिचुएशन में आने के बाद बहुत सारे गाइडलाइन आया है, तो ये सारे गाइडलाइन फॉलो करके आप कतर में जाना पड़ेगा। इसलिए अगर कतर में आजाद विषय में जाना चाहते हैं कि आप फ्री विषय में जाना चाहते हैं, तो कि आप किसी भी कंपनी के वर्क विषय में जाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप पहले आप जान लीजिए कतर में अभी का सिचुएशन क्या है। और कतर में जो फ्री विसा आदमी है, क्या वो आजाद विसा का बहुत सारे वर्कर है, वो लोगों का भी काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और पहले का जैसे आज से दो साल पहले उन लोगों को काम बहुत ही कम मिल रहे थे, लेकिन अभी काम बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। कोविड सिचुएशन आने के बाद कतर में जो वर्कर बहुत ही कम गया है, इसलिए कतर में जो वर्कर का क्राइसिस बहुत रह गया है। इसलिए कतर में जो लोग फ्री विसा में है, जो लोग आजाद विसा में, उन लोगों को डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, उसका सैलरी भी अभी ज़्यादा मिल रहा है। पहले आपको जितना सैलरी मिल रहा था उसका डबल सैलरी मिल रहा है। तो इसलिए जो लोग आजाद विषय में उन लोगों को बहुत ही फायदा हो रहा है। लेकिन अभी का सिचुएशन में कतर में क्या आजाद विषय में जाना चाहिए कि आप फ्री विषय में जाना चाहिए? देखिए, एक्चुअली जो फ्री विषय आजाद विषय होता है किसी भी कंपनी का ही होता है, लेकिन जो कंपनी का होता है लेकिन उस कंपनी का खुद का काम नहीं रहता। कतर में आने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाके काम करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, यही आजादी देता है। जो कंपनी आपको फ्री विषय में लेके जाते हैं वो कंपनी का ऐसा डिमांड नहीं रहता है, आप किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो नॉर्मली जो कंपनी आप वर्क भी समझ जाएंगे, किसी भी कंपनी में रहेंगे, उस कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी के काम में आप नहीं जा पाएंगे, उसके लिए आपको उस कंपनी आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो आजाद वीसा है, जो फ्री वीसा है, उन लोग को किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। आजाद वीसा और फ्री वीसा जो लोग हैं वो लोग भी किसी भी कंपनी के अंदर है, और ये जो डायरेक्ट जो कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं ये भी किसी भी कंपनी के अंदर है, तो दोनों ही कंपनी के अंदर है। लेकिन ये लोग को जो थोड़ा अलग है, ये लोग को जो कंपनी का तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अब किसी भी जगह में जाके काम कर सकते हैं, यही डिफरेंस है। तो अगर ये फ्री वीसा में आजाद वीसा में जाना चाहते हो, तो अभी का सीजन में फ्री वीसा अगर आप कतर में पहले जा चुके हैं, कतर के बहुत सारे जगह आपको बहुत सारे कुछ आपको जानकारी है और काम के बारे में आपको जानकारी है, फ्री वीसा में क्या आजाद वीसा में जा सकते हैं। अभी कतर में बहुत सारे आपको फ्री वीसा और आजाद वीसा का बहुत सारा डिमांड है और बहुत सारे काम भी मिल रहे हैं। अभी फ्री वीसा के आजाद वीसा मिल रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन फ्री वीसा आजाद वीसा के लिए आपको थोड़ा जो रुपया ज़्यादा लगेगा। कतर में पहले जा चुके हैं तो आप लोग के लिए कतर में जाने के लिए बहुत ही बेनिफिट है, और फ्री वीसा में आजाद वीसा में जाएंगे तो आपको रुपया ला के जाएंगे और करीब आप 6 महीने के 7 महीने में आप पूरा उठा पाएंगे, उसके बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी में अगर आप हर महीना 1200 रियाल के 1500 रियाल कमा रहे हैं, 1500 रियाल मिल रहे हैं, तो अगर आजाद वीसा वही काम के लिए आजाद वीसा में और फ्री वीसा में जाएंगे तो हर महीने आपको 25 से 3000 रियाल आपको आराम से रहेगा, वो खाना पीना छोड़ के 2500 या 3000 रियाल आपको आराम से रहेगा, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आपका मर्जी, आप कौन सा विषय में जा रहे हैं और कौन सा विषय आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को जानकारी मिल गया अभी का सीजन में कौन सा विषय में जाना चाहिए, कंपनी में जाना चाहिए कि आप आजाद विषय में जाना चाहिए कि आप फ्री विषय में जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को जानकारी मिल गया इस सिचुएशन में आपको कौन सा विषय में जाना चाहिए और कौन सा विषय में जाएंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा चला तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।